तो आज की शुरुआत होती है चाय और समोसे से। तो आज हम जाने वाले हैं इंडियन म्यूजियम और बिरला प्लेनेटोरियम। तो आओ चलते हैं। तो कुछ देर में ही हम पहुंच जाते हैं एशिया के लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम में। तो हाँ, तुमने सही सुना, ये है एशिया का लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम। यहाँ पे यार तुम्हें अलग अलग शोज मिल जाएंगे, इंग्लिश में, बंगाली में या हिंदी में। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल के बहुत ही पास है। तो ये सेंटर में प्रोजेक्टर है और ये ऊपर सारी स्क्रीन है। वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, लेकिन गूगल से मैंने ये आपके लिए निकाली है ताकि यार मैं बेटर आपको बता सकूँ कैसे शो होता है यहाँ पे। और ये रही थोड़ी सी फोटोज। तो शो अराउंड 45 मिनट्स का होता है और इसका टिकट प्राइस है ₹120। और इसके पीछे गैलरी भी बनाई गई है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि गैलेक्सीज, यूनिवर्स, और फोटोज भी हैं जैसे कि अर्थ, मून वगैरह की। तो बहुत ही सही लगता है। तो ये कुछ देख के हम चले जाते हैं बाहर, और बाहर देखते हैं भाई भीड़ लगी हुई थी। तो हम बहुत ही सही टाइम पे आ गए थे क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो चुका था यहाँ पे। इसके बाद हम जा रहे हैं इंडियन म्यूजियम और वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। अब ऐसा क्यों है तुम्हें आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं इंडियन म्यूजियम। सबसे पहले यहाँ पे हमने ली टिकट। तो टिकट प्राइस जो है वो अकॉर्डिंगली है, जैसे कि अगर आपने नॉर्मल अंदर जाके घूमना है तो ₹50, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो वैसे वैसे प्राइस आपका बढ़ता रहेगा, उसके प्राइस अलग हैं। तो अंदर से म्यूजियम कुछ ऐसा दिखता है और बहुत सारी यहाँ पे गैलरीज बनी हुई हैं जहाँ अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो ये हैं बोध गया रेलिंग्स जिनको काफ़ी प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने स्टैचूज यहाँ पे रखे गए हैं, कई शिव जी की मूर्तियाँ, विष्णु जी की मूर्तियाँ और बुद्धिस्ट स्टैचूज भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और कई मूर्तियाँ तो इतनी पुरानी हैं कि वो बिफोर BC के टाइम की हैं। यहाँ पे कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि मुगल के टाइम पे कौन सी करेंसी होती थी, उसके बाद कौन सी होती थी, वैसे करते करते बहुत सारी करेंसीज के यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि गोल्ड की हैं, सिल्वर की हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे पेंटिंग्स भी बहुत सारी हैं, एक गैलरी है पेंटिंग की जहाँ पे बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स वहाँ पे रखी गई हैं। तो यहाँ पे मैमल गैलरी भी है जहाँ पे पुराने पुराने एलिफेंट्स की बोन्स वगैरह भी रखी गई हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी बताया हुआ है, DNA के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी रॉक्स और फॉसिल्स भी पड़े हुए हैं। तो ये रहा यहाँ बार का कोर्टयार्ड और यहाँ पे मस्त लोग अपना चिल कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट और सबसे शॉकिंग चीज़ जो थी वो मुझे लगी ये इजिप्शियन मम्मी। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे है, ये 4000 साल पुरानी है और 1882 में ये एज अ गिफ्ट मिली थी टू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। तब से लेके आज तक ये वहाँ पे रखी गई है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, ये नेट पे वीडियो थी, तो वो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए ये ओल्डेस्ट म्यूजियम को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।